इंडिया की सबसे बेहतरीन टेक्सटाइल कंपनी, टॉप लिस्ट प्रोवाइडर। डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर लेटेस्ट वीडियोस। लक्ष्मी मिल्स। लक्ष्मी मिल्स साउथ इंडिया पर आधारित टेक्सटाइल कंपनी है। इस कंपनी का एक साल का टर्नओवर 27 मिलियन डॉलर का है। इस कंपनी को फाउंड करा गया था 1910 में। JCT Ltd. JCT Ltd. एक बहुत अच्छी कंपनी है और ये इंडिया में सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरिंग है सूती धागा, नाइलॉन, पॉलिस्टर और नेचुरल कपड़े की। इसका हर साल का टर्नओवर 70 मिलियन डॉलर का है। इसको फाउंड करा गया था 1946 में। फैबिंडिया। फैबिंडिया एक बहुत अच्छी और पॉपुलर टेक्सटाइल कंपनी है। इसका एक साल का टर्नओवर होता है 68 मिलियन डॉलर का। इस कंपनी को फाउंड करा गया 1960 में। रिलायंस टेक्सटाइल। रिलायंस टेक्सटाइल बनाती है पॉलिस्टर, सिंथेटिक कपड़ा, सिल्क एमिनो फैब्रिक, ऑटो टेक्सटाइल। इस कंपनी को फाउंड करा गया 1966 में। ग्रासिम इंडस्ट्रीज। ये कंपनी एक बहुत अच्छी कंपनी है और ये कंपनी बनाती है रेशा, गुदा, कपड़ा, धागा। इस कंपनी को फाउंड करा है 1947 में। रेमंड। रेमंड कंपनी एक बहुत पॉपुलर होने के साथ साथ एक बहुत भरोसेमंद कंपनी भी है। ये कंपनी अपने प्रोडक्ट बहुत सारे देशों में बेचती है और इस कंपनी को फाउंड करा गया था 1925 में। बॉम्बे डाइंग। ये कंपनी एक बेहतरीन टेक्सटाइल कंपनी है। ये कंपनी बहुत अच्छी क्वालिटी के कपड़े और रेशा बनाती है। इस कंपनी को फाउंड करा गया है 1879 में। अरविंद मिल्स। अरविंद मिल एक बहुत अच्छी टेक्सटाइल कंपनी है। इसका हेडक्वार्टर गुजरात इंडिया में है। ये कंपनी बहुत अच्छी कंपनी है और बहुत अच्छा कपड़ा बनाती है। इसको फाउंड करा गया था 1931 में। वर्धमान टेक्सटाइल। वर्धमान टेक्सटाइल एक लीडिंग टेक्सटाइल कंपनी है इंडिया में। ये बहुत फेमस और बेहतरीन कंपनी है। इस कंपनी का एक साल का टर्नओवर 1.1 बिलियन डॉलर का है और इस कंपनी को फाउंड करा गया था 1965 में। आप इनमें से कौन सी कंपनी का कपड़ा पहनते हैं? आपको इनमें से कौन सी कंपनी सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है? हमें कमेंट बॉक्स में बताइए।